हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा, मेरा तो बहुत अच्छा रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैं और अमित पस्तागिया सर, हम दोनों लोग मिलकर आप लोगों को लाइव मार्केट में और आफ्टर द मार्केट सारे अपडेट आप लोगों को दिए हैं, स्टॉक्स के भी और निफ्टी बैंक निफ्टी के भी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, दो काम। पहले इस वीडियो को ठीक से वॉच करना है, टेलीग्राम में भी मतलब कंटिन्यू रहना है, लीव नहीं करना है। और आपको क्या करना है कि यूट्यूब के सुबह वाला भी सेशन अटेंड करना है और इवनिंग वाला भी सेशन अटेंड करना है, और अपनी लर्निंग को क्या करो, इन्हेंस करो। ये बहुत जरूरी है, क्लास करो या ना करो चलेगा, लेकिन अगर आपको दो मेंटर्स मिल रहे हैं और समझाने वाले बताने वाले, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो इस वीक में क्या होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा मूव रहेगा, आइए चलते हैं उसको देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, निफ्टी के मूव में काउंट नहीं किया, मतलब रिट्रेसमेंट डाल दिया मैंने, बस केवल रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे, पिछली बार ही बताया था और अभी भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको। पिछली बार जब आप देखे थे तो मार्केट यहाँ पर थी, मतलब यहाँ से इसने 14, मैं आपको बताया था कि 14% का सपोर्ट है, ये ब्रेक करता है तो ट्रेंड जो है 23.38% तक की 23% और 38.2% तक आ सकता है। अभी मार्केट जो है 23% भी नहीं है, लेकिन उसके नियर अबाउट आ चुका है, और अभी जो करंट का जो सिनेरियो बन रहा है वो 14% पर है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको लगा के दिखा भी दिया हूँ, और आप इस रेशियो पर काम करेंगे ये आपके ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। ये रेशियो रिट्रेसमेंट लगाना, इन रेशियो पर अप्लाई करना, कैसे करना है इसको, कैसे इसको समझना है, इसके लिए आप सेशन में बने रहना। देखो क्या करना है, डेली के टाइम फ्रेम पर अभी जो है 14% ब्रेक नहीं हुआ है, 14% अपसाइड के लिए ब्रेक होगा, और उसके उसके ऊपर 3 दिन, 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन की क्लोजिंग आती है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है और वो अगेन 161% तक जो है प्राइस जा सकता है, ठीक है। फिर से सुन लो, डेली के टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस 14% के ऊपर कंटिन्यू 2 से 3 दिन की क्लोजिंग रहा, तो 161% का जो ट्रेंड है वो खुला पड़ा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 14% को ब्रेक कर दिया और वहां से कोई और रिट्रेसमेंट, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट फेस किया, तो वो टूट के क्या हो सकता है, वहां से ऊपर गया और टूट के फिर से वो 23% भी आ सकता है, और ज्यादा ज्यादा आपका 38.2% भी आ सकता है। और ये कैसे होगा, इसको 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम रीड करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्या करना है, सुन लो फिर से। 14% के ऊपर अगर ये 2 से 3 दिन की क्लोजिंग आती है, तो आप इसका स्टॉपस रखोगे और कंटिन्यू होल्ड किए रहोगे लॉन्ग, कहाँ तक के लिए, 20,160 के लिए, ठीक है। पहला केस। दूसरा केस है कि मान लीजिए कि 14% को ब्रेक भी कर दिया और एक दिन क्लोजिंग आया, या फिर दूसरे दूसरे दिन क्लोजिंग नहीं आया और फिर से वो 14% को ब्रेक कर दिया, तो कंटिन्यू जो ट्रेंड है वो चेंज रहा है, मतलब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ सकता है, और वो डाउन ट्रेंड कहाँ तक आएगा, 23% और 38.2%, क्लियर। आइए इसको 75 में देखते हैं। और मैं जितना आपको बता रहा हूँ ना, जितना समझा रहा हूँ, इसको अपने चार्ट पर अप्लाई करना, तभी आप इंडिकेटर सीख पाओगे। अब डेली के टाइम फ्रेम में कोई बड़ा चेंज तो हुआ नहीं, तो रिटेस्टमेंट से काम चल जाएगा, लेकिन 75 मिनट टाइम फ्रेम पर, सॉरी ये 75 मिनट टाइम फ्रेम हम लेंगे इसको, 75 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको चेंज हुआ है। आप वैसे भी 25 मिनट टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो, तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए मैंने इसको लगा रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसके काउंटिंग 75 मिनट टाइम फ्रेम में काउंट किया हूँ, अब ध्यान से समझना इसको, मेन काउंटिंग यही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो मूव आया है इसको मैंने W रखा है, और यहाँ से जो मूव गया है, यहाँ से ऊपर जो गया है, ये इसको हमने X रखा है, 3 मूव में गया है, और WX के बाद Y बनता है जो 3 मूव में आता है। तो ये W, ये X और ये आपका Y, कितना हो गया, 3 मूव हो गया। अब वाई में कितना मूव होना चाहिए, तो वाई में आपका 3 मूव होना चाहिए। तो ये रेड कलर का ए, रेड कलर का बी और रेड कलर का सी, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो सी देख रहे हो ना, जो रेड कलर का है, इसमें 5 मूव चाहिए, तो उसमें भी हमने 1, 2, 3, 4, 5 रखा। तो अब देखोगे तो टोटल मूव कितना हो गया, WXY मिला के कितने मूव हो गए, तो WXY मिला के ये 3 मूव हो गया। तो 3 मूव हुआ, तो ये देखो A 1 मूव, 2 मूव और ये 3 मूव हो गया। तो ये 3 मूव हुआ, तो इसको क्या कंसीडर कर दिया हमने, ए, ठीक है।
तो फ्लैग करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है या फिर से हो सकता है कि डब्ल्यू बन जाए, तो कुछ भी बने, डब्ल्यू बने या फ्लैग बने, तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, देखो अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर के साइड जा रहा है, देखो ऊपर के साइड जा रहा है, तो ये जो है ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा। जब तक ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके 2 से 3 दिन की क्लोजिंग नहीं आती तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, मतलब डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। तो यहाँ से जब प्राइस जो ऊपर के साइड जाएगा तो ध्यान रखना कि कम से मैक्सिमम जो है 61% तक की, मतलब 50% से 61% तक जाने के लिए पॉसिबिलिटी है। देखो 3 मूव है तो 61% जाएगा, ये मैक्सिमम है, लेकिन ये स्टॉपलॉस कटना नहीं चाहिए। अगर ये स्टॉपलॉस कट गया तो काउंटिंग इनवैलिड हो जाएगी, ये ध्यान रखना। काउंट अगर ये जैसे ही ये लो कटा, सी का लो कट जाएगा इस वीक में, तो ये इनवैलिड हो जाएगी अभी, ठीक है। लेकिन अब की क्या हो सकता है कि जैसे हमने ए रखा है तो अब मैं बात करेंगे हम लोग बी की, क्योंकि ए के बाद बी बनेगा और बी हमारा 61% बनेगा, तो हो सकता है कि अगर ये स्टॉप नहीं कटा तो बी हमारा कंटिन्यू नॉन स्टॉप कहाँ तक जा सकता है, 19728 तक जा सकता है, ध्यान रखना 19728, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट और, ठीक है। और वहां पर क्या करना है, अगर बियरिश कैंडल पैटर्न बन गई तो क्या करेंगे, उसको हम लोग बी मान लेंगे, ठीक ना। ये अपना ए हो गया और वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर बियरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो बी का स्टॉप नहीं रखोगे, क्या रखोगे, इसका स्टॉप लॉस, ये नहीं कटना चाहिए। ये कटा तो फिर तो 20160 रखा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्स और डबल एक्स पैरेलल नहीं होते, क्लियर, ये ध्यान रखना। एक्स बी के भी पैरेलल नहीं होगा, एक्स डबल एक्स के भी पैरेलल नहीं होगा, एक्स फोर्थ के भी पैरेलल नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर बी बनता है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा एक्स, ठीक ना। ये बी बना, बी बनने के बाद क्या हो सकता है कि प्राइस अब सी की तरफ 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में आए, और जब ये ऐसा आएगा तो कहां तक आएगा, ये ध्यान देना, ये कहां तक आ सकता है, वो 38.2% तक, 23 और 38.2% का डेस्टिनेशन लेकर चलेंगे। किस केस में, तो इस वाले केस में, इस वाले सी के केस में, ठीक ना। तो अगर आप बाई करोगे बी के लिए, अगर आप बाई करते हो जब डाउन ट्रेंड में आता है बी के लिए, तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा बी के लिए, डेस्टिनेशन मान के चलना कि 61% तक मिनिमम, ठीक है। बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है सेल करेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, एक्स का रखेंगे, और डेस्टिनेशन सी इज इक्वल टू ए। अब ये आपका टास्क है कि व्हाट इज द मीनिंग अबाउट सी इज इक्वल टू ए, ये सी रहा और ये रहा, अब मेजर करना और बताना कि सी कहां तक बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अप साइड में बहुत ज्यादा क्या है, क्लस्टर है, बहुत ज्यादा देख रहे हो ना, 14% भी ब्रेक किया, 61.8% भी ब्रेक किया, और 127% का, अगर इसको बैंक निफ्टी को अगर इसके ऊपर जाना है तो इसका भी 127% नोट कर लो, 127% के ऊपर 3 से 4 दिन की क्लोजिंग चाहिए, सॉरी 2 से 3 दिन की क्लोजिंग चाहिए, इसके बाद ही ट्रेंड चेंज होगा अपसाइड के लिए। अगर 127% के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डल है, ध्यान रखना 14%, 161.8% और 127%, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए टूट गया तो फिर टूट गया, इसका मतलब ट्रेंड सच में बहुत स्ट्रांग था, और ये 61% 47574 नॉन स्टॉप, 3-3 रेसिस्टेंस ब्रेक करना ये छोटी बात नहीं है। तो अगर इसके ऊपर भी बैंक निफ्टी क्रॉस करना शुरू किया तो फिर यही टारगेट है और कोई टारगेट नहीं है। लेकिन अगर इसको रेसिस्टेंस फेस किसी में से किसी का भी रेसिस्टेंस फेस कर दिया, मान लो कि 27% का रेसिस्टेंस फेस कर दिया, या मान लो कि ये 45400 का 8 का ही रेसिस्टेंस फेस कर दिया, फिर तो ये खुले पड़े हैं, 100% खुला पड़ा है, 38.2% खुला पड़ा है। तो अभी फिलहाल के लिए 144151 रख लो, और 43000 कितना है जी, 406 का भी टारगेट रख सकते हो डाउन साइड में, ठीक है। तो डेली का टाइम फ्रेम समझ आ गया, आओ हम चलते हैं और इसको 75 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी काउंटिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर भी वही काम,
आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक के मूव को W कंसीडर किया और यहाँ से यहाँ तक मूव को हमने X कंसीडर किया। इसके बाद प्राइस का जो हमने कंसीडर किया वो हमने Y रखा है, वही जैसे निफ्टी की तरह था। तो इस Y में तीन मूव चाहिए, A, B और ये C, ठीक है। C में कितने मूव चाहिए? पांच मूव। तो ये सारे A, B, C, W, X, Y के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये कर रहा है। तो पूरा मूव मिला के इसको फिर से हमने क्या रखा है, मैंने इसको A रख दिया है, ठीक है। तो ए रख दिया और तीन मूव है, तो इंडिकेशन क्या रहा है? फ्लैट करेक्शन का। तो फ्लैट करेक्शन अगर ये बनता है तो मिनिमम मूव कितना जाएगा, जैसे निफ्टी ने बताया था कि 61%, तो यहाँ भी 61% तक की पॉसिबिलिटी है, मतलब 45,571 तक की जाने की संभावना है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी में, तो वहीं पर कितना रहा है? 45,647, ठीक है। 45,000 मतलब 127% वाला जो रेसिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस कर सकता है, वही रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कुछ ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से गया प्राइस, और ये ध्यान रखना यही स्टॉपलॉस है, कैसे सुन लो, ये मूव जो है आपका ए बी सी के नेचर में यहाँ तक जाएगा, बी के फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, बी बनेगा, ठीक है। ये बी तब बनेगा, बी क्या तब तक हम वैलिड मांग के चलेंगे जब तक हमारा ये स्टॉप्स कटता नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को लॉन्ग करना है तो यही स्टॉप्स रखेगा, कटे बाहर हो जाना, नहीं कटता है तो बी तक के लिए आप रेडी रहना। अब सुनो, बी तक पर अगर प्राइस गया 61%, तो अगर वहाँ पर बेरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो फिर से हम क्या करेंगे, वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड अगेन वही स्टॉप्स एक्स, और एक्स क्या होता है? पैरेलल नहीं होते, ध्यान रखना, ये पिछली निफ्टी में बताया मैंने। तो अब यही हमारा स्टॉप्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा फॉलो होता है कि स्टॉप नहीं करता है और यहाँ पर बी का फॉर्मेशन हो गया, तो फिर हम सी की तरफ रेडी हो जाएंगे, ठीक ना, सी की तरफ रेडी हो जाएंगे। और फिर ये सी कितना बनेगा? सी इज इक्वल टू ए का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका ए और आपका ये सी का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कुछ ऊपर नीचे होता है, मैंने तो ये आपका ओवरव्यू दे दिया, अगर कभी भी मतलब कभी भी अगर ओवरव्यू मतलब चेंज होता है, जैसे मान लो कोई व्यू चेंज हो गया, तो लाइव मार्केट में तो मैं भी मिलूंगा, लाइव मार्केट में सभी मिलेंगे, अमित पस्तागिया सब मेरे स्टूडेंट हैं, तो लाइव मार्केट में बैठते हैं एक घंटा और मैं आफ्टर मार्केट बैठता हूँ एक घंटा। तो बैठो और सीखो सीखो, कुछ भी ऊपर नीचे चेंज होगा तो मैं आपके साथ बैठा हूँ समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, घबराना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते, जय हिंद।